अमेरिका शिकागो में भराये आंतरराष्ट्रीय धर्म परिषद में अमेरिका भाईओ बहनों आटल कहता साथ सभा में कॉन्स्टंट बे मिनिट ताड़ियों ने गड़गड़ गूंजी उठ्यो हतो। एवा भारत एक सन्यासी बात करवा जई रह्या छे, नाम छे स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद बात करें अपने तो हम 11 सप्टेम्बर गई तो बात ने आज 129 वर्ष पूरा थे। 129 वर्ष पहला आज 11 सप्टेम्बर दिवस अमेरिका अंदर जो शिकागो आंतरराष्ट्रीय धर्म परिषद भरायेलू एम जो अमेरिका मार भाई बहनों आटल बोलता मुवमेंट देखा। अपने बात यह है कि अमेरिका भाईओ बहनों बोलता मैं अमने तो अपने जो बोली है ताड़ियों पड़े एवं अपने लगत नहीं। ओके तो सवाल अपने ये कि खाली आटलू बोलवा ताड़ियों पड़े एम लॉजिक शू है। एमने पहले थे घना बदा मतलब में धर्म ज्ञाताओं बोलता। सवाल ये कि आ स्पीच पाचड़े शब्द उच्चारे एम शब्द में मतलब उष्मा ऊर्जा थी एम शब्दों में अनुभव पांडित्य आत्मविश्वास संघर्ष हो दिखाश। हूँ तुमने एक विवेकानंद जी प्रसंग की बात करूचु, एक प्रसंग की चर्चा अपने करी। ए प्रसंग पर आपने जाए कि संघर्ष कोने के शू संघर्ष कोईपण व्यक्तित्व कोईपण सत्ता पर बहुत सारी सत्ता पर सारा होद्दा पर पहुंचेलो सफल थे व्यक्ति पाचड़ संघर्ष एना अनुभव शु महत्व ख्याल आत है। विवेकानंद जी भारत भ्रमण करता था, राजस्थान प्रवास गया था। राजस्थान प्रवासे भर उना एक स्टेशन पर रेलवे स्टेशन पर उतरे एम साथ एक व्यापारी उतरे व्यापारी जोड़े जाता उतरी बाजू में सामान में खावा ठंडू पानी खावा पीवा वनगीओ है बहार काढ़ी वृक्ष बेसी खावा मिले। विवेकानंद सामू जो कहे कि सरस जमू हो ठंडू पानी पीव हो तो अमारी जेम मेहनत करी पड़े आ भगवा कपड़े पहले निकली पड़ो तो एम कशु तक मे नहीं कहे। अँज व्यापारी है कि एम जोड़े ट्रेन में था स्टेशन स्टेशन पर वच्चे पैसा आपी वे पानी लेता एक बार विवेकानंद पूछू ना कि तमारे पानी पीवू है कि नहीं। आज घटना घटी त्याज एज समय गाम में एक कंदोय ये त्या दौड़ दौड़ो आए विवेकानंद जी ने एवं कहे जैन स्वामी विवेकानंद एवं कहे ते काम प्रभु बेसो बेसाड़ी जमवा आपे। विवेकानंद जी आश्चर्य पड़ गया कि भाई हूँ तेने ओळखतो नहीं तू कोण छे भाई। तो ये वक्त ये कहे प्रभु हूँ आज बपोरे जमीने सूतो तो आराम करते तरह सपना में ईश्वर आए भगवान आए मैंने कीधु कि मारो भक्त बे दिवस तरसो भूखो तो त्या जा तू जमा तो। ओके आज घटना आप जो आ घटना की पाचा तब जो तो लॉजिक ये जो तो नंबर वन है आप जम बैठा है जो विडियो जो जो आप आसपास है आम तो एवं कोण है कि जेने जमानू ना मत हो पीवानू पानी ना मत हो विचार कि बेसिक जो सुविधा है ए पण विवेकानंद ने तकलीफ पड़ी थी। अपने ये ताड़ियों गड़गड़ाहट संभाय नाम अपने अत्यार देखा जाए संघर्ष पर पाछो जो संघर्ष है ये संघर्ष की कहानी जो है कोईपण सफल व्यक्ति कोईपण ऊंचा हुद्दा पर पहुंचेल व्यक्ति ने जो सफलता मिले पाछो स्ट्रगल है संघर्ष है ये बोलवा समझे। अपने थोड़ा एवं निराशा मे थोड़ी तकलीफ पड़े तरह अपने रस्त छोड़ी दी थोड़ी निष्फलता मिली परीक्षा आप पास ना दे तरह मतलब विचार कि आप नेगेटिव विचार हो तो विचारो कि आटली बड़ी तकलीफ नहीं पड़ी अपने विवेकानंद जो तकलीफ एटली तकलीफ अपने पड़ती नहीं छः अपने मैदान छोड़ी भागी जता हो सतत निराशा अंधकार ने दूर कर सतत पता ध्येय प्रत्ये तुम सतत प्रयत्नशील रहो तरह सफलता प्राप्त हो। आज स्टोरी है विवेकानंद जी जो प्रसंग है ये प्रसंग में अपने बे वस्तु जानवा मिलशे। नंबर वन कि भाई अथक परिश्रम अथवा स्ट्रगल वगर ए महत्व है। हमें स्पीच आपी और बोलिया ताड़ियों गड़गड़ थी और नाम आटलू अमर है यम की पाचड़ा जो जीवन संघर्ष है ये अपने मतलब जो पड़े। नंबर टू है कि एमनी जो ईश्वर प्रत्ये आस्था थी अटूट थी ये हमेशा कहता ईश्वर पर मैंने पूरा भरोसा है जेने के राम राखे ने कोण चाके जो तमारे जो लोक कल्याण करवा निकल्या होय बीजानो हित करवा इच्छा होय अने तमारो जो नियत साफ होय तो ईश्वर पण साथ दे छे ए प्रसंग में आपणे जोवा पड्यो छे। ओके मळे नेक्स्ट वीडियो साथे।